हरदोई बिजली की समस्या को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने किया सवायजपुर तहसील का घेराव। किसान नेता राजवर्धन सिंह राजू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली की समस्या को लेकर कटियारी क्षेत्र के किसानों के साथ किया तहसील का घेराव। लगाए किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे। किसानों की समस्या को लेकर किसान यूनियन के नेता राजवर्धन सिंह राजू ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन व अल्टीमेटम भी दिया। 15 दिन में समस्याओं का निदान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। दर्जनों गांव में लो वोल्टेज से किसानों की सिंचाई बाधित व वहीं टेबल कनेक्शन के नाम पर हो रही धन उगाही को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। आशीष सिंह की रिपोर्ट। मांगे हो किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे ये है कि जो ये सवाजपुर विधानसभा के अंतर्गत रूपापुर क्षेत्र जो है उसमें कई सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां के भी तुम्हें जाकर यहां अभी जो किसानों की एक प्रमुख समस्या है बिजली का लो वोल्टेज, बिजली न आना और बिजली के जर्जर तार, ट्रांसफार्मर कम क्षमता के जो ट्रांसफार्मर बदलाने को लेकर हम लोगों ने एक आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन इसलिए दिया है कि काफी किसानों के मोटर फूक गए हैं, कई कई बार फूक गए हैं, क्योंकि ये ज्वलंत समस्या किसानों जुड़ी समस्या सिंचाई का एकमात्र यही साधन। यहाँ बिजली अगर नहीं आएगी तो न यहाँ कोई नहरें हैं, न कोई माइनर है और न ही कोई अन्य सिंचाई की व्यवस्था, उसको लेकर एक तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। दूसरी चीज अघोषित बिजली की जो कटौती होती है बिना बताए, आप लोग उद्योगपतियों को बिजली देते हैं लगातार, चीनी मिल को बिजली 24 घंटे मिलती है, लेकिन किसानों का जब भी समय आता है, चाहे सिंचाई का समय हो, चाहे धान रोपाई का समय उनका हो और चाहे उनके बहन बेटियों की शादी हो, तब बिजली जरूर गुल हो जाती है। तो दूसरी मांग ये थी। तीसरी एक प्रमुख समस्या यहाँ की जो है विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पिछली बार एक एपी सिंह जे यहाँ पे पोस्टेड था जिसने हमारे काफी किसान भाइयों से 25-25, 50-50 हजार रूपया लूट के रख लिया और ये कहा कि तुम्हारा निजी नलकूप कनेक्शन कराएंगे, लेकिन ना ही कनेक्शन हुए और ना ही कोई आगे कार्रवाई बढ़ी, तो उनपे मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो किसानों का पैसा वापस कराए। तीसरी मांग ये है, यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय और बिजली विभाग के अधिकारियों ने हमको आज आश्वस्त किया है कि समस्या का जल्द समाधान होगा। अगर ये 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं होगा तो निश्चित रूप से बड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।